वाले हैं प्रोक्सिमा का 49 विद द डेडपुल अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर वुडू एंड विद द सपोर्ट ऑफ सूरी। ठीक है, पहले थर्ड स्किल ऐसे यूजुअली बता रहा हूँ कि किस स्किल को आपको यूज करना है। थर्ड फोर एंड फाइव, अगर सिंपली तुमको डैमेज चाहिए तो प्रोक तुम फोर पे करो या फाइव पे, डजेंट मैटर। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि तुम किसी पे भी कर सकते हो। थोड़ा वेट करो ताकि सारा स्किल आ सके एक बार में, ठीक है ना। उसके बाद टायर थ्री कंप्लीट, टायर थ्री, ओके। देन फिफ्थ, सॉरी फोर्थ, उसके बाद फाइव। मैंने कहा ना, अगर सिर्फ तुम अगर इम्यूनिटी टू गार्ड ब्रेक दे दो, मैं सीरियसली कहता हूँ 3 बार, मिनिमम 3 बार तुम उठा सकते हो। मीन तुम CTP ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ मिनिमम 3 बार जो है तुम इसका क्लियर कर सकते हो। देखो मैंने कहा ना, मिनिमम 3 बार यू कैन क्लियर प्रोक्सीमा। अभी जैसे देखो, स्किल हमारा इंटरप्ट नहीं हुआ तो हमने अच्छे से ले लिया प्रोक्सीमा का, तो वही बात है ना। एक्चुअली डेडपुल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है कि उसकी स्किल बहुत ज़्यादा इंटरप्टेड होती है, और हमें कोशिश करना है कि उसकी स्किल को इंटरप्ट नहीं होने देना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ओ गॉड। ठीक है, कोशिश यही करना है कि हमें जो इसकी स्किल है इंटरप्ट नहीं होने देना है, ठीक है। लेकिन इस जगह उसकी स्किल इंटरप्ट हो गई, वो फोर्थ स्किल इंटरप्ट कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। हैविंग अ स्किल इन इग्नोर आई फ्रेम गेट अ कैंसल, वो मार्वल फ्यूचर फाइट, व्हाट्स एन इम्प्रूवमेंट ओवर अ वर्ल्ड बॉस। तो देख रहे हो, इग्नोर आई फ्रेम है स्किल में, फिर भी साले ने मतलब कैंसिल कर डाली प्रोक्सिमा ने। सही है भाई। टायर थ्री स्किल कंप्लीट होने के बाद फोर्थ को और बीच में थोड़ा सा पहले इंटरप्ट करो उसको। व्हाई डिड नॉट प्रोग एक्चुअली विद अ गुड मैन। तुमने देखा था ना किस तरह से प्रोग करना है, मैं बता चुका हूँ। बस टोटली उसी रास्ते पे चलो तुम, या फिर अगर तुम फिफ्थ स्किल यूज नहीं कर सकते हो तो एक काम करो, उसके बाद थर्ड दो प्लस फोर्थ अप्लाई करो। बहुत सारे फंड है डेडपुल के साथ तुम अप्लाई कर सकते हो। एक्चुअली देखो मैं तुम्हें रीजन बताता हूँ, तुम कुछ भी करो बस ऑल डिफेंस डाउन जो है तुम गेन कर लो, ये इसका मेन मोटो है एक्चुअली। जैसे देखो अभी मैंने टायर थ्री स्किल एक्टिवेट किया, गॉट इट। अब मैंने फोर्थ क्लिक किया, अब मैं फाइव क्लिक करूंगा, ये देखो खत्म, क्लियर। तो मैं बता रहा हूँ फिर से, सबसे पहले टायर थ्री स्किल, फिर फोर्थ स्किल बिफोर सर्टेन कंप्लीशन। 4-5 बार वीडियो को देखना, पता चल जाएगा, ठीक है। या फिर कंप्लीट होने दो, कोई दिक्कत नहीं। पहले टायर थ्री स्किल, फिर फोर्थ कंप्लीट, उसके बाद हमको फिफ्थ स्किल। फिफ्थ स्किल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ऑल डिफेंस डाउन होने के बाद गर्दा वॉक करता है ये, मिनिमम तुम्हें 3 बार देगा ये, मिनिमम 3 बार। तो इस तरह से तुम इजली कर सकते हो। और मैं बता दूंगा कि किसका किसका लीडरशिप एक्चुअली मैंने यूज किया, क्या मैंने कैसे यूज किया। ये मेरी डेडपूल हो गई, डॉक्टर वुडू। वेयर इज द डॉक्टर वुडू? जी सर। इवन मैंने टायर मतलब अपडेट टायर टू भी नहीं मैंने दिया है इसे। एक्चुअली देखो, ऑल बफ इंक्रीज बाय द 40%, ओके। वेयर इज सूरी?
ये मेरा एक्चुअली टीम अप है। अब देखो मैं दिखाता हूँ, फिजिकल अटैक मास 27,000 है, ठीक है, फिजिकल डिफेंस, और ये देखो ओब्लिक का डोज 25% के साथ डैमेज प्रोक 200% है। अब देखो क्या है, क्रिटिकल रेट 74% है, इग्नोर डिफेंस 36.39 है, बस यही है जो भी है तुम्हारे सामने। चलो धन्यवाद, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर नहीं कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट करो, दोबारा करो, जितना बार 4 बार 5 बार 6 बार, मैं हर बार डाउट क्लियर करूँगा। थैंक यू।